तो ये बहुत ही अलग किस्म का शो है। इसमें जिस जो जो स्टोरी हम लेकर आए हैं, ये हमें हम अब अगर कोई मूवीज़ देखी होगी बॉलीवुड मूवीज़, तो जैसे कि विकी डोनर आई थी, शुभ मंगल सावधान आई थी, इस प्रकार की मूवीज़ ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। ऑडियंस हंसी थी, ऑडियंस को वापस देखने का मन हुआ था, दोबारा देखने का मन हुआ था। तो इसी प्रकार का हम टेलीविजन शो लेकर आए हैं जिसमें मैसेज टेमिनस बंदी इस टॉपिक को उठाया गया है, बट इसको हम काफ़ी कॉमेडी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मूवीज़ में किया गया था वैसा ही कुछ सिचुएशनल कॉमेडी है। मैं अखिलेश पांडे का किरदार निभा रहा हूँ, पांडे जी जो बनारस के रहने वाले हैं, भोले भाले हैं, लड़कियों से शर्माते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है कि उसकी नसबंदी हो जाती है, और इसकी नसबंदी करने वाली जो होती है वो ये होती है डॉक्टर ईरा। यू हैव अ वेरी ओपन कैरेक्टर, क्या कहना चाहेंगे, हाउ कंफर्टेबल बीइंग अ कैरेक्टर, ओपन कैरेक्टर जो प्रोवाइडिंग कंडम टू द गाइस। या आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड आई वाज गिविंग कंडम्स टू एवरीवन एज बीइंग अ डॉक्टर। तो डॉक्टर अगर हाथ में कुछ कंडम थमा रहा है, कुछ भी थमा रहा है, उसके लिए कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं, और कंडम लेने में और देने में भी कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा टबू है कंडम बोलने से और नसबंदी बोलने से, बहुत सारी चीज़ें आती है, बट इसमें कोई शर्म वाली या गंदी वाली बात नहीं है। आई होप लोग वो एक्सेप्ट करें और उसके बारे में खुलकर बात करने लगे। ये कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। ये अगर आप अब्रॉड की कंट्रीज में देखो तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लोग सामने से ये चीज़ करवाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। इफ़ यू वॉन्ट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, आई थिंक सो इट शुड बी प्रमोटेड, इट शुड बी इंक्लूडेड इन आई थिंक सो एजुकेशन एज वेल। एट द सेम टाइम एक दूसरा मैसेज भी है यहाँ पे, अगर कोई इंसान अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाता है तो इंसान को आप नज़रअंदाज ना कीजिए, उसकी बाकी की खूबियाँ है उसको देखिए आप, कि वो एक अच्छा बेटा है, अच्छा पति है, अच्छा भाई है, ये सारी चीज़ें भी होती है जो महत्वपूर्ण की होती है एज कम्पेयर टू वंश को आगे बढ़ाना। जस्टिस तो आए वो तो अब मैं लोगों से सुनूंगी कि मैंने जस्टिस किया नहीं किया अपने कैरेक्टर किरदार के लिए, बट आई फील ये जो हानिकारक बीवी, मतलब जो हानिकारक लड़की ये बोला गया है ईरा को, तो आई फील ये हर किसी औरत में होती है कहीं ना कहीं, और शायद ऐसी बहुत सारी औरतें जो अंदर वाली वो जो हानिकारक महिला है वो बाहर आना चाहती है, तो आई फील इसे देखकर शायद वो बाहर आए। एंड आई रियली वांट दैट, आई वांट दैट कि लड़की अपने लिए स्टैंड ले। नहीं, चैलेंजिंग ये प्रोड्यूसर्स के लिए था ऐसा शो बनाने के लिए, चैलेंजिंग ये चैनल के लिए था ऐसा शो लेकर आने के लिए, लेकिन ये चैलेंज जो है हम जीत चुके हैं बिकॉज शो आ चुका है एंड आई एम डेफिनेट लोगों को पसंद भी आ रहा हूँ। मैंने कभी फिल्म में काम नहीं किया, वो सुचेता है। नो, आई हैव नेवर डन अ फिल्म, आई ओनली डन टेलीविजन एंड आई थिंक टेलीविजन फिल्म्स थिएटर कोई भी प्लेटफॉर्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्टिंग एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, मीडियम कोई भी हो। आई जस्ट फॉलो व्हाट माई डायरेक्टर टेल्स मी, और डेफिनेटली लैंग्वेज में मुझे इस किरदार के लिए काम करना पड़ा सिंस इज यू पी बेस्ड एंड माई राइटर्स आर वेरी गुड, माई क्रिएटिव इज गुड। तो जो फीडबैक हमें मिला है, जिस तरह से वर्कशॉप्स हमारे साथ हुए हैं, दैट ऑलवेज हेल्प्स ना। एंड डेली सोप में एक दिन में आप 8 सीन 10 सीन करते हो, तो विद एवरी सीन यू इम्प्रूव एज एन एक्टर। नहीं, लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आई वॉज बॉर्न विद इट। वो लोगों से पूछना चाहिए, लेकिन मैंने अक्सर ज़्यादा नेगेटिव ही किया है, तो डैडी तो अक्सर कॉमेडी करते थे, लेकिन ये पहली बार मैं सब कुछ एक कॉमेडी फन कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर कि लोगों को उसमें कहीं ना कहीं जॉनी वॉकर की झलक तो नज़र आएगी ही। दिस शो, इस शो का एक स्पेशल मैसेज है, बहुत ही सीरियस मैसेज है, इट्स अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल, नसबंदी। लेकिन अगर ऐसा सीरियस कॉन्सेप्ट आप लाइट हार्टेड वे में अगर एग्जीक्यूट करते हो, तो लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है ये बात। सो वी आर ट्राइंग एंड वी आर